नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा, वॉइस फॉर नेशन में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। स्टार्ट किया आपने ये प्रोग्राम? हमने बंजारे से किए थे। आप देख रही हैं कि ये न कोई परिक्रमा मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था है, न कोई जलपान की व्यवस्था। जो भी व्यवस्थाएं आपको मिली होंगी आगे पीछे, वो स्थानीय लोगों के स्तर पे की हुई हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? वृक्ष क्षेत्र में आई हुई हैं, शासन प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगी व्यवस्थाओं पर? क्या माता जी, यही चाहेंगे कि मतलब रास्ते में बैटरी से काम चलाया, बैटरी खरीद खरीद के बैटरी से काम चलाया हमने। प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था। महिलाएं भी काफी हद तक इसमें परिक्रमा लगा रही हैं। उसके नहाने धोने की है, पानी तो जगह जगह मिला है, लेकिन नहाने धोने का कोई ऐसे चौड़े में नहाए, कोई सुबह वगैरह बनाए, मतलब कोई ऐसी कोई परेशानी बहुत ज्यादा हुई है। रैन बसेरा की कोई व्यवस्था आपको देखने को मिली? कोई यात्री कहीं जैसे रात में विश्राम कर सकते? कोई एक भी नहीं दिखाई भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आज की गर्मी बहुत परेशान थी। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से आए हम। दिल्ली से आए लोग आप लोग की, आप आज परिक्रमा को कौन सा दिन है आपकी? पांचवा दिन है। ये भारी अव्यवस्थाएं परिक्रमा में चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप स्थानीय प्रशासन से? आपको लाइट की व्यवस्थाएं कहीं दिखी हैं रास्ते में? बहुत गर्मी है, बहुत बुरा लग रहा है। रहने की भी कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं है? राधाचरण बजे। राधाचरण जी, आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं? हाँ जी। ये क्या व्यवस्था दिखी आपको प्रशासनिक स्तर पर यहाँ परिक्रमा मार्ग पर? सड़क तो बन चुकी है, और कोई सुविधा ना है? कैसी हो? पहले सड़क ना आई, अब सड़क की सुविधा। सड़क बन गई है, सड़क के अलावा बाकी कोई व्यवस्था नहीं है? कोई रैन बसेरा, शौचालय या लाइट या जलपान, कोई व्यवस्था आपको दिख रही है? क्या कहना चाहेंगे आप शासन प्रशासन के लिए आज के व्यवस्थाओं पर? प्रशासन का नाम ज्यादा है, वैसे काम कम है। काम कुछ नहीं है, केवल नाम ही नाम है। नाम ज्यादा है, ऊंची दुकान फीके पकवान। आपका? मेरा नाम ठाकुर दूर सिंह है। दूर सिंह जी, ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, देख रहे हैं आने वाले जन सैलाब उमड़ रहा है, भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है। क्या क्या व्यवस्था प्रशासन स्तर पर यहाँ परिक्रमा मार्ग में की गई है, और क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? ऐसा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा, यहाँ पे सरकारी तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे परिक्रमा 24 घंटे चल रही है, दिन में चल रही है, और ज़्यादातर लोग रात में परिक्रमा कर रहे हैं। और हमारे ये वार्ड नंबर 29 है, वार्ड नंबर 29 में एक भी बल्ब आप चेक कर लो यहाँ से लेकर, मतलब हमारी परिक्रमा आप देख रहे हो, एक भी सरकारी बल्ब नहीं लगा हुआ है। अंधेरे में लोग चलने के लिए मजबूर हैं, प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। अधिक मास की परिक्रमा है, लाखों श्रद्धालु जा रहे हैं, रोड पर आप देख रहे हो, रोड पर यहाँ एक कट होना बहुत आवश्यक है। परिक्रमार्थियों को यहाँ की जो आम जनमानस है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, बेचारे सुबह से लेकर सारी दोपहरिया उसमें गुजार देते हैं, परिक्रमार्थियों को रोड पर आ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ ना लाइट है, ना पानी है, ना शौचालय है, कोई सुविधा नहीं है, और ना कोई दवा है, ना दारू है, कुछ भी, मतलब या कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ के सभासद, यानी ये कहा जाए कि प्रशासन और सरकार ब्रज 84 क्षेत्र को भूल चुकी है। बिल्कुल। और ये सामुदायिक षड्यंत्र से जो यहाँ कैंप लगता है, ये तो बेचारे हर बार लगाते हैं, इसमें यहाँ के सभासद का और उनका कोई मतलब नहीं है, ना कोई सरकार का कोई मतलब है। सरकार किसी की भी रही है, उनको तो कैंप लगाना है, रिफाइनरी की तरफ से वो कैंप चलता है। ये परिक्रमार्थी आप देख रहे हो हजारों की संख्या में चल रहे हैं, ना आप पे भी आपको सुविधा नहीं है, वहाँ पे गोताखोर नहीं है, आप देख सकते हो हजारों लोग नाव में अपनी जान जोखिम में डाल करके निकल रहे हैं। हजारों महिलाएं परिक्रमा दे रही हैं, इनके नहाने धोने के लिए, रैन बसेरे के लिए क्या व्यवस्था? कुछ नहीं, यहाँ से लेके अड़ूकी तक साहब लोग जो है बेचारी पेड़ों के नीचे दोपहरिया काट रही है, ना पानी मिलता है रास्ते में वहाँ पे उनको। हमारे यहाँ क्षेत्र में तो चलो लोग हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन आगे ऐसा जंगल पड़ता है, लोग दोपहर भर उसी में कोई व्यवस्था नहीं। एक तरफ देखा जाए कि योगी सरकार कह रही है कि ब्रज 84 को उसके लिए हम काफी मेन मुद्दे को लेके जन समस्याओं को दूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि परिक्रमा मार्ग में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। क्या कहने में और करने में बहुत अंतर है, जो वो कह रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ सामने नहीं आ रहा है। जब परिक्रमार्थियों के लाइट नहीं दे सकते, वो अंधेरे में चलने के लिए मजबूर है, तो क्या करेंगे यार, कोई व्यवस्था नहीं है। भारी व्यवस्थाओं के बीच चल रही है ब्रज 84 क्षेत्र। जो प्राचीन गांव है रोंची, जिससे रोंची बांगर बनता है, रोंची जो गांव है जहाँ से प्रधानी चलती थी, उस गांव में सभासद ने एक बल्ब नहीं लगाया है, एक बल्ब मौके पे देख लीजिए, आप चल के देख लीजिए, अंधेरे में ही परिक्रमार्थी परिक्रमा देने को मजबूर है। मैं प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ,
कि भाई वार्ड नंबर 29 में यहाँ से लेकर कोयला तक अड़ुकी तक सुविधाएं दें, जन समस्या को दूर करें। ये आम समस्या है, हमारा नहीं है, सबका है। ब्रज क्षेत्र का नाम रोशन करें। प्रशासनिक लोग आगे चुनावों के वक्त में सारे नेता आते हैं, अब ये लोग कहाँ से दुनिया यहाँ से निकल रही है, ये इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा सरकार पे। क्षेत्रीय विधायक भी जन समस्याओं को लेकर कितनी दूरी बनाए हुए हैं? विधायक जी के दर्शन नहीं है क्षेत्र में, खास तौर से इस क्षेत्र में यहाँ होना चाहिए। विधायक जी आप भी आए, अपने क्षेत्र को देखें और संभालें। जन समस्याओं का कुछ अपना भी फर्ज बनता है। कोई भी सरकार के लोग ये नहीं है कि भाई हम लोग चुनावों के वक्त आए आते बात भूल जाएं। सर जी, आज आपके बाढ़ में ब्रज परिक्रमा क्षेत्र चल रहा है, लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, जिनमें आप देख रहे हैं महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सभी तरीके के श्रद्धालु। एक सेवा भाव से एक अनूठा संगम ब्रज क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। भारी अव्यवस्थाओं का दौर है, श्रद्धालु परेशान है, न कोई प्रकाश की व्यवस्था है, न कोई शौचालय की व्यवस्था है, न कोई रैन बसेरे की व्यवस्था है। आपके स्तर पर क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं आपके वार्ड क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं सभी ब्रजवासियों को अधिक मास के मेले में ये बधाई देता हूँ जो पर्व चल रहा है। और दूसरी बात व्यवस्थाओं की मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि बाढ़ के अंदर सबसे पहली समस्या आ रही थी शौचालय की, तो शासन की ओर से व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पाने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। उसके लिए मैंने खुद प्रयास करके लोगों के साथ मिलकर शौचालय का निर्माण कराया, जिसमें दो शौचालय एक बाथरूम बनवाया है। और रही बात प्रकाश की, तो कुछ बल्ब मैंने अपने पास से जहाँ लोगों ने टेंट वगैरह लगाकर और जो रुकने का स्थान बना रखा है उनके लिए व्यवस्था कराई है। और परिक्रमा मार्गों पे जो नल हैं, सरकारी नल हैं, उनको रिबोर कराया है और कुछ नल नए भी लगवाए हैं। और थोड़ी सी समस्या इस बार लाइट की जरूर आ रही है, तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि लाइट की समस्या बहुत जल्दी दूर होने वाली है। नगर निगम प्रशासन ने 500 बल्बों का भी टेंडर जारी किया है, 2 से 3 दिन के अंदर वो अमल में आ जाएगा और परिक्रमा मार्ग की समस्या दूर हो जाएगी। क्या सर लेट लतीफी नहीं कहा जाएगा आप लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जबकि सबको पता है कि ब्रज क्षेत्र की परिक्रमा एक प्रसिद्ध है, इसी सेवा भाव को जानते हुए यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, क्या ये सारी व्यवस्थाएं परिक्रमा पूर्ण होने के बाद की जाएंगी? मैं आपको बता दूं कि आप भी जानते हो कि पालिका से निगम हुआ है और संसाधनों की थोड़ी सी कमी रही है और बजट भी हमारे पास इतना नहीं है, फिर भी जिस बजट मतलब जो अपने पास जो संसाधन है उनका प्रयोग किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी आपको लाइट की जो व्यवस्था है वो दूर हो मतलब दूर देखा जा रहा है। श्रद्धालु रात में नितांत अंधेरे में रात बिताने में मजबूर है, उनके लिए किसी प्रकार की कोई रैन बसेरे की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं जो लोगों के घरों में जा जाके नहा रही हैं, उनके लिए नहाने धोने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्या इसीलिए सरकार की यही व्यवस्था है? आप एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपको ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए कि ये मुद्दों पे जल्दी कार्य होना चाहिए? ये मुद्दे मैं पिछले 1-1.5 महीने से उठा रहा हूँ और मैं एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, नगर निगम प्रशासन के लिए भी दे चुका हूँ, माननीय मंत्री जी के लिए भी दे चुका हूँ, लेकिन हाँ उनकी तरफ से अभी तक आश्वासन मिला है, ठोस कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है। ये माना जाए कि लेट लतीफी के भरोसे? हाँ, लेट लतीफी तो हुई है, प्रशासन की इसमें कमी भी है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। श्रीमन नित्य निकुंज बिहार ने नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री 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 राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के हम को कुटिया ब्रजमाही बनानी, हम को कुटिया ब्रजमाही बनानी, हम को कुटिया ब्रजमाही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा, और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी अपनी। प्रशासन और शासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है साहब, आप स्वयं देख रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा, और सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि आप लोग इस जनता की और हमारी यह ब्रज क्षेत्र की, आप मीडिया प्रभारी, हमारे सभी पत्रकार बंधु इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। मैं सबसे पहले आपका आभारी हूँ, और जमुना मैया की कृपा से आप स्वयं देख रहे हैं कोई व्यवस्था शासन प्रशासन की नहीं है। दूसरी कि हमारे ब्रज की ऐसी धरोहर है ये, दर पीढ़ी और आज भी और चलती रहेगी, इसमें आज भी शासन का प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जबकि योगी जी कहते हैं ब्रज 84 कोस में हम पूरा परिक्रमा मार्ग को ऐसा करा देंगे, रैन बसेरा होगा, जलपान भी होगा, लेडीजों के लिए पानी की व्यवस्था, लेट्रिन बाथरूम, कोई व्यवस्था कहीं कुछ भी नहीं है। और आप यमुना जी पे भी देख रहे हैं, नाव पे के घाट का कोई ठेका नहीं हुआ, या अवैध वसूली, अवैध जिसकी मनमानी है वो कर रहे हैं यात्रियों के साथ। यात्रियों को विशेष परेशानी है, भला करें आप जैसों का, ऐसे भक्तजनों का जो सेवा कर रहे हैं यहाँ, इन्हीं की सेवा। परिक्रमा मार्ग 24 घंटे भरा चल रहा है, रात्रि में भी कुछ परिक्रमा दिए ऐसे देखे गए हैं, तो रात्रि में भी अपनी परिक्रमा को पूरा कर रहे हैं। गर्मी का मौसम है सर, हाँ, तो रात्रि ठंडे मौसम, क्या शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? अंधेरे में ये लोग रात्रि में जंगलों में रात गुजार रहे हैं, कोई भी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है प्रशासन? बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा है साहब, जंगल में परिक्रमा चल रही है, ना तो कोई पुलिस की व्यवस्था, ना कोई खाने की, ना पीने की, ना रैन बसेरा की, ना कोई लेट्रिन की, ना बाथरूम, यानी माना जाए कि प्रशासन बिल्कुल आंखें मूंदे पड़ा है। शासन प्रशासन आंखें बंद करके अपनी मनमानी कर रहा है साहब, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप स्वयं देख रहे हैं, जनता से पूछे हमारी बेचारे, ये परिक्रमार्थियों से पूछे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे ब्रज 84 कोस में कोई केवल सेवा भाव वालों की व्यवस्था है, शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था, यानी कि ये जो प्याऊ और ये भंडारे देखे जा रहे हैं, ये आम जनमानस के सहयोग से श्रद्धा भाव के लिए। हाँ जी, ये आम जनमानस से जो सेवा भाव पाले आप जैसे महापुरुष, उन्हीं की सेवा है सब, और शासन प्रशासन की कोई नहीं है एक रत्ती। क्या नाम भैया आपका? चांद सिंह जी, आप यहाँ ब्रज क्षेत्र के रहने वाले हैं, कदम बिहार के रहने वाले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ परिक्रमा मार्ग चल रहा है, ब्रज 84 क्षेत्र की परिक्रमा चल रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ प्रशासनिक स्तर पर परिक्रमा मार्ग में क्या क्या व्यवस्था की गई है? प्रशासनिक स्तर पर तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है, ना तो किसी के लिए शौचालय की व्यवस्था है, ना ये परिक्रमा को नहाने, आप देख रहे हैं कि लगातार ये लोग आ रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन तरफ से कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई, ना तो इनके शौचालय की, ना इनके नहाने धोने की कहीं पर व्यवस्था है। प्रशासन हम निजी क्षेत्र के से हम लोग आपस में मिलकर तो इनकी सारी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हम लोगों से हो रहा है, कॉलोनी वासी कर रहे हैं,
या जो परिक्रमा के साथ में जा रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के तौर पर यहाँ पर कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। देखने में आया है कि पूरा मार्ग, पूरी परिक्रमा मार्ग अंधेरे में, लोग रात्रि में परिक्रमा दे रहे हैं, अंधेरे में परिक्रमा दे रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप होने वाली असुविधा के लिए प्रशासन को? हाँ, रात में इनको दिक्कत तो होती है, बहुत अंधेरा रह जाता है कभी भी, बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक लाइट में एक आध जगह लाइट लगी हुई है, बाकी जगह अंधेरा ही रहता है रात में। मतलब कि हमारे एरिया में तो बिल्कुल अंधेरा है, काफी अंधेरा रहता है, इसलिए रात में इनके साथ चोरी चपारी घटने की संभावना होती है। तो इसमें मैं ये चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से पूरे परिक्रमा मार्ग में लाइट लगवाई जाए और जितनी जल्दी हो सके ये व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये 15 दिन की व्यवस्था और रह गई है, उसके बाद तो